आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 इंसेक्टिसाइड टेक्निकल फॉर्मुलेशन के बारे में बतलाने वाले हैं कि हमारी फसलों पर, सब्जियों पर, बागवानी पर कौन सा फॉर्मुलेशन क्या काम करता है। तो जब भी आप मार्केट पर या फिर खाद दवाइयों की दुकान पर जाते हैं तो कीटनाशक दवाइयों के नाम से आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, बल्कि आप किसी भी कीटनाशक दवाई को नाम से नहीं बल्कि उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है उस बेस से यदि आप जानेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ने वाला है। तो लगातार कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पर कि लगभग जो आप पुरानी जो वीडियो बना रहे थे टेक्निकल्स के ऊपर, उस पर एक जरूर डिटेल से वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल के साथ, विस्तार के साथ इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक फॉर्मुलेशन होते हैं, तो 10 कीटनाशक फॉर्मुलेशन के बारे में बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? जैसे डोज, कीमत, कार्यविधि, कौन सी फसलों पर स्प्रे आप कर सकते हैं, वह जो टेक्निकल्स उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और साथ ही दोस्तों बात करेंगे प्राइस के साथ साथ कितने घंटे तक स्प्रे करने के बाद बरसात नहीं होनी चाहिए, और वह जो टेक्निकल है कौन कौन सी कंपनी उस टेक्निकल नाम से दवाइयाँ दे रही हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आप किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा फॉर्मुलेशन, कौन सी कीटनाशक दवाई क्या काम करती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी 75% SP इंसेक्टिसाइड। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एसीफेट 75% SP इंसेक्टिसाइड। अब एसीफेट जो 75% SP है, मतलब एसीफेट एक फॉर्मुलेशन है और 75% इसमें क्वांटिटी है। SP फॉर्म में आती, सॉल्यूबल पाउडर फॉर्म में आती। जब आपने टंकी पर पंप पर घोलोगे तो पाउडर फॉर्म में, यानी जैसे ही आप अपने पंप पर घोलोगे तो तुरंत यह कीटनाशक घुल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि एसीफेट 75% कौन सी कंपनी दे रही हैं। तो टाटा कंपनी आशा टाफ के नाम से दे रही है। इसके अलावा बायो स्टेडेड कंपनी की ट्रिमर के नाम से आपको यही टेक्निकल मिल जाएगा। कृषि रसायन की रसायन फेट के नाम से आती है और UPL की लांसर के नाम से आती है। तो यह जो 4-5 कंपनी और भी अन्य कंपनी यही टेक्निकल दे रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर रहे हैं, इस टेक्निकल को स्प्रे कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छी कंपनी की, ट्रस्टेबल कंपनी का ही आपको एसीफेट स्प्रे करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो एसीफेट एक सिस्टमिक यानी अंतर प्रवाही कीटनाशक है जो कि ऑर्गेनोफास्फेट ग्रुप से बिलोंग करती है, और यह पौधों के अंदर जाकर, सिस्टम में जाकर काम करती है। यह इसका मोड ऑफ एक्शन है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर अगर बात करें तो यह प्रमुख रूप से कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करेगी, तो जेसिड पर काम करेगी, बॉल बर्म, एफिड, लीफ फोल्डर, ग्रीन लीफ हॉपर्स और थ्रिप्स पर काम करेगी। अब हमने बतलाया थ्रिप्स, तो थ्रिप्स का मतलब ये है कि यदि हल्का फुल्का प्रिवेंटिव पर आप ऐसी फेट को थ्रिप्स पर कंट्रोल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का या फिर कीटों का प्रकोप हो गया है तो ऐसी फेट एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करेगा सस्ते में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से गन्ना, कपास, मिर्च, तंबाकू, टमाटर, शिमला मिर्च, तिलहनी फसलों पर, दलहनी फसलों पर, सब्जी वर्गी फसलों पर, बेल वर्गी और अनाज वाली फसलों पर आप एसीफेट का स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर अगर बात करें तो जो 75% SP इंसेक्टिसाइड है एसीफेट, इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में 35 ग्राम, 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में 350 ग्राम के आसपास आपको स्प्रे करना चाहिए, प्रति एकड़ की दर से डोज है। प्राइस के ऊपर बात करें तो कीमत देखो, अब इसी वीडियो को आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद देखेंगे तो जो कीटनाशक दवाइयों के फॉर्मुलेशन के डोज अभी एक तो इंक्रीज ही होंगे, तो कीमतों पर आपको विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है। आप एक एवरेज समझ सकते हैं कि 250 ग्राम की जो कीमत है 250 से 300 रुपये, 500 ग्राम की जो कीमत है 500 से 600 रुपये, और 1 किलोग्राम की जो कीमत है 900 से 1000 रुपये के आसपास कीमत दोस्तों देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो एसीफेट को यदि आप सीजन पर स्प्रे करते हैं, मौसम ख़राब नहीं रहता है, वेदर ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है, तो लगभग 8 से 10 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और यदि दोस्तों हम बात करें रेन फास्टनेस की, तो कम से कम एसीफेट स्प्रे करने के 2 घंटे तक बरसात यदि नहीं होगी तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए
मिलेगा। बात कर लेते हैं नंबर दो कार्बोसल्फान 25% ईसी इंसेक्टिसाइड के बारे में। अब यह भी एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, तो कीटों पर काफ़ी अच्छा काम करेगी। तो कौन कौन सी कंपनी दोस्तों इस टेक्निकल को दे रही, सबसे पहले समझते हैं। तो FMC कंपनी मार्शल के नाम से दे रही है, इसके अलावा धानुका कंपनी की आतंक के नाम से आपको मिल जाएगी, और कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी आयुध के नाम से दे रही है, और गुजरात क्रॉप साइंस की अलग अलग नामों से भी यह टेक्निकल आपको मिल जाता है। तो अलग अलग कंपनी कार्बोसल्फान को दे रही है 25% ईसी। अब ईसी है तो ईसी का मतलब होता है इमल्सीफाइबल कॉन्सेंट्रेट। जैसे ही आप पानी पर, पंप पर, टंकी पर घोलेंगे तो पानी एकदम दूध की तरह सफेद हो जाएगा और काफी इंस्टेंट यह जो ईसी फॉर्म की कीटनाशक होती है इंस्टेंट पानी पर घुल जाती है, ज्यादा आपको घोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों अगर बात करें तो यह जो कार्बोसल्फान है यह एक कार्बोमेट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि एक से ज्यादा कीटों को कंट्रोल करती है और पौधे के अंदर जाकर काम करती है। इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन भी है और इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, यानी यदि आप ऊपर साइड स्प्रे करेंगे तो पत्तों के नीचे साइड यह आसानी से फैल जाएगा जिससे कीट संपर्क में आते ही मर जाते हैं। तो यह एक मोड ऑफ एक्शन है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कार्बोसल्फान प्रमुख रूप से एफिड्स जैसेड हॉपर्स, चाहो ग्रीन लीफ हॉपर्स हो या फिर ब्राउन प्लांट हॉपर्स हो, काम करेगी। इसके अलावा पॉड बोरर है, फली छेदक है, फ्रूट बोरर पर काम करेगी, जैसेड लीफ हॉपर्स पर काम करेगी और साथ ही मिली बग वाइट फ्लाई पर दोस्तों काम करने वाली है। क्रॉप्स के ऊपर बात करें तो सब्जी वर्गी फसलों पर, अनाज वाली फसलों पर और धान की फसल है, अंगूर की फसल है, बैगन की फसल पर इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर अगर बात करें तो 15 लीटर पानी में 30 ml और 150 से 200 लीटर पानी में 300 से 400 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। प्राइस के ऊपर बात करें तो एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए 500 ml की जो कीमत है 600 से 700 रुपए के आसपास कार्बोसल्फान 25% ईसी की कीमत देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर अगर बात करें तो लगभग 12 से 13 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और स्प्रे करने की कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंटिव में भी काफ़ी अच्छा काम करती है और कार्बोसल्फान को आप अपनी फसलों पर जब स्प्रे कर रहे हैं तो शाम टाइम स्प्रे करें और स्प्रे करने से पहले यदि आप सिंचाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें वीकनेस, एक माइनस पॉइंट ये है कि कार्बोसल्फान की जो नेगेटिविटी है कि अधिक टेम्परेचर पर यदि 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर यदि दोस्तों जाता है तो इसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी रासायनिक का या फिर किसी फॉर्मुलेशन का प्रमोट करना या फिर कीटनाशक दवाई का प्रमोट करना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, जानकारी देना है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है कि कार्बोसल्फान क्या है और यह कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल करता है, कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयों पर कौन कौन सी कंपनी यह फॉर्मुलेशन दे रही हैं और उस टेक्निकल का काम करने का तरीका हमारी फसलों पर क्या है, हर एक किसान भाई को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात कर लेते हैं नंबर 3 अल्फा मैथ्रीन 10% ईसी इंसेक्टिसाइड के बारे में। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि काफ़ी कंपनी अल्फा मैथ्रीन 10% ईसी दे रही हैं, तो एग्जैक्ट में अल्फा मैथ्रीन 10% ईसी काम क्या करती है आइए समझते हैं। तो इसमें 10% ईसी है अल्फा मैथ्रीन, यानी ईसी यानी इमल्सीफाइबल कॉन्सेंट्रेट, जो कि आपने इसके पहले टेक्निकल में भी ईसी फॉर्म में आता है उसके बारे में आपने समझा और सीखा। व्यापारिक नाम के ऊपर बात करें कि कौन कौन सी कंपनी दोस्तों यह फॉर्मुलेशन दे रही है, तो प्रमुख रूप से बायो स्टेरेट कंपनी की स्टॉप 10% ईसी के नाम से दे रही है। इसके अलावा कृषि रसायन की अल्फा के नाम से, टाटा की टाटा अल्फा के नाम से और इसके अलावा ट्रॉपिकल की ट्रिल के नाम से आपको यह अलग अलग कंपनी नाम दे रही है। तो अपने हिसाब से दोस्तों चूज कर सकते हैं, बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह एक सिंथेटिक पायरोथ्राइड ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसमें स्टमक एक्शन भी है और इसमें नॉकडाउन एक्शन भी है। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे कीटों के अंदर जाते ही कीटों का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पैरालाइज कर देता है जिसके कारण कीट भोजन नहीं बना पाते, कीटों को लकवा लग जाता, पैरालाइज हो जाते हैं और कीट कारणवश मर जाते हैं। तो अल्फा मैथ्रीन एक
कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी स्पर्शनाशी कीटनाशक है। इंसेक्ट के ऊपर बात करें तो यह प्रमुख रूप से बॉल बर्म, लीफ फोल्डर के साथ साथ सभी प्रकार की छोटी हरी इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे तुअर की फसल है, चने की फसल है या फिर हमारी मटर की फसल है भी इल्लियों का प्रकोप हो चुका है, अल्फामेथ्रिन का स्प्रे कर देंगे तो कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। बल्कि प्रिवेंटिव रूप पर या फिर हल्के फुल्के कीटनाशक या फिर हल्के फुल्के कीटों को कंट्रोल करना है तो फिर अल्फामेथ्रिन क्रॉस कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे करने पर बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिल सकता है। क्रॉप स्प्रे के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से टमाटर की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, मिर्च, शिमला, कपास, सोयाबीन, अंगूर, अनार की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 15 लीटर पानी में 8 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, 150 से 200 लीटर पानी में 80 से 90 ml की दर से प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो 100 ml की कीमत 70 से 100 रुपए, 250 ml की कीमत लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो 7 से 8 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और स्प्रे करने के बाद कम से कम दोस्तों 1.5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो यह जो अल्फामेथ्रिन पुरानी इंसेक्टिसाइड है और ओल्ड समय काफ़ी पहले, यानी यदि हम 5-7 साल पहले की बात करें तो यह कीटनाशक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती थी, लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल होने से कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ गई है। तो स्प्रे करने से फ़ायदा तो होता है लेकिन हैवी कीटों का अटैक है तो ऐसी कंडीशन पर अल्फामेथ्रिन 10% ईसी उतना ज़्यादा किसानों को संतुष्टमय रिजल्ट देखने के लिए नहीं देती है, फिर नहीं मिल पाता है। तो इसको क्रॉस करके आप अन्य इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव पर भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। बात करते हैं नंबर 4 बुफ्रोफेजिन 25% SC इंसेक्टिसाइड के बारे में। काफ़ी कीटनाशक दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है बुफ्रोफेजिन 25% ईसी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, यह एक इंसेक्टिसाइड है जो कि लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है, SC फॉर्म में आती है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है। तो जब भी आप SC फॉर्म की कीटनाशक दवाइयों को पंप में, टंकी में घोल रहे हों, मिला रहे हों, तो ठीक तरीके से हिला लीजिए और लकड़ी या फिर डंडे की मदद से ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी बुफ्रोफेजिन 25% ईसी इंसेक्टिसाइड को दे रही है, फिर मोड ऑफ एक्शन, रिजल्ट और डोज के बारे में बात करने वाले हैं। व्यापारिक नाम यानी कौन कौन सी कंपनी यह टेक्निकल की दवाइयां मार्केट में लॉन्च कर रखी है, तो बायो स्टेडेड कंपनी वेंजो के नाम से देती है, इसके अलावा टाटा कंपनी की एप्लॉड के नाम से देती है, इसके अलावा बायर की फ्लोटिस के नाम से देती है और धानुका की एप्पल के नाम से यह कीटनाशक मार्केट में लॉन्च किया है। इसके अलावा कृषि रसायन के कीनी मार्च के नाम से यह टेक्निकल आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग कंपनी दे रही है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो बुफ्रोफेजिन का जो मोड ऑफ एक्शन है यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और यह एलो मार्च पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। यह कीटों की बाल्य अवस्था में भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, परंतु कीटों की जो प्रौढ़ अवस्था होती है अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो इसीलिए यदि कीट निम्स यानी प्यूपा स्टेज पर हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यह काम करने वाली है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से कीटों पर बेहतरीन तरीके से यह कंट्रोल करने वाली है। तो प्रमुख रूप से मिली वग, वाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रेप्स, जेसेड, इसके अलावा BPH के साथ साथ ग्रीन लीफ हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है और एलो माइट्स के साथ साथ वाइट बैक प्लांट हॉपर पर काफ़ी अच्छा काम करती है, जो कि धान की फसल पर BPH को कंट्रोल करती है। इसके अलावा कपास की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, अंगूर की फसल, अनार, टमाटर, सोयाबीन, आलू, बैगन के साथ साथ सब्जी वर्गी क्रॉप्स पर आप दोस्तों बुफ्रोफेजिन का स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर बात करें तो 15 लीटर पानी में 15 ml, 150 से 200 लीटर पानी में 150 से 200 ml की दर से आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml सफिशिएंट है। प्राइस के ऊपर बात करें तो 500 ml की कीमत 450 से 500 रुपये और 1 लीटर की जो कीमत है 750 से 800 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। रेन फास्टनेस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इसको स्प्रे करने के लगभग 2.5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो 12 से 15 दिनों तक का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो हमारे किसान भाई यदि फसलों पर कीटों का प्रकोप है तो बुफ्रोफेजिन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5
कार्बेरिल 50% WP इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह जो कार्बेरिल इंसेक्टिसाइड है यह 50% WP फॉर्म में आती है, यानी वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है, और पानी पर जैसे ही आप घोलेंगे तुरंत यह जो पाउडर है आसानी से घुल जाएगा। बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी यह दे रही हैं, तो देवी दयाल देवी कार्ब के नाम से आती है, इसके अलावा कृषि रसायन की केविन के नाम से आती है, अन्य कंपनी भी दे रही। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह जो कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड है इसका मोड ऑफ एक्शन यह कार्बोमेट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और कीटों के नर्वस सिस्टम में जाकर यह काम करने वाली है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो यह कैविज बोरर पर काम करती है, यानी पत्ता गोभी फूल गोभी पर जो सुंडी परेशान करती है उस पर काम करेगी। इसके अलावा ग्रीन लीफ हॉपर्स सूट बोरर स्टेम बोरर और एफिड्स पर काम करती है। तो कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, पत्ता गोभी धान मक्का, इसके अलावा मिर्च की फसल पर दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं, सब्जी वर्गी फसलों पर भी आप कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर बात करें तो 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml, 150 से 200 लीटर पानी में 350 से 400 ml की दर से एक एकड़ में स्प्रे करना चाहिए और यह एक WP फॉर्म में आती है। तो जब भी आप घोल रहे तो ठीक तरीके से आपको घोल लेना है, तभी आपको टंकी या फिर पंप में भरकर स्प्रे करना चाहिए। इसके जो रिजल्ट हैं स्प्रे करने के बाद कम से कम 10 से 12 दिनों तक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और कम से कम स्प्रे करने के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। आपके एरिया पर जो कार्बोरिल 50% WP इंसेक्टिसाइड है 500 ग्राम की कीमत कितनी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं नंबर 6 कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो जो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड है यह GR फॉर्म में भी आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो कारटाप बतला रहे हैं यह GR ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है उसके बारे में बतला रहे हैं, बाकी WP फॉर्म में भी आता है उसके बारे में किसी अगली वीडियो पर बतलाएंगे। तो आइए बात करते हैं जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, यानी इसको आप स्प्रे नहीं बल्कि जड़ों के पास जैसी धान की फसल है या फिर कपास की फसल है या फिर अन्य फसलों पर जो नाम बदलाएं गन्ने की फसल पर मक्के की फसल पर आप इसको दे करके जो प्रमुख रूप से जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली लट सफेद लट व्हाइट ग्रफ की समस्या देखने के लिए मिलती है, दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड काफी अच्छा काम करने वाली है। कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% जो GR इंसेक्टिसाइड कौन कौन सी कंपनी दे रही हैं, तो कृषि रसायन की टॉप 4G के नाम से आ रही है, इसके अलावा UPL कंपनी की कारडॉन 4G के नाम से है, धानुका कंपनी की कारडॉन 4G के नाम से और क्रिस्टल की निदान 4G के नाम से देखने के लिए मिलती है। अलग अलग कंपनी यह टेक्निकल दे रही हैं, इसको स्प्रे नहीं इसको जड़ों के पास रूट जोन में आपको देना पड़ेगा। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर बात करें तो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड एक सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट एक्शन से कीटों को कंट्रोल करता है, लेकिन सिस्टमिक एक्शन से बेहतरीन तरीके से यह कीटों को कंट्रोल कर पाता है, यानी दोनों तरीके से कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम है और यह कीटों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और उनको भूखा मानने की इसमें क्रिया होती है, यानी कीट अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, कारणवश कीटों की मौत हो जाती है। कौन कौन सी कीटों पर यह कौन कौन सी इंसेक्ट पर यह काम करने वाला है, तो प्रमुख रूप से स्टेम बोरर है, लीफ फोल्डर है, बाइट ग्रब है, इसके अलावा धान की फसल पर बाइट ग्रब पर दीमक पर टर्माइट पर काफी अच्छा काम देखने के लिए मिलता है। और यदि क्योंकि यह सिस्टमिक भी काम करेगा तो फसल पर जो कीटों का प्रकोप है इल्लियों का प्रकोप है तो उनसे भी काफ़ी प्रोटेक्शन करने वाला है। तो बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, प्रमुख रूप से धान कपास सब्जी वर्गीय फसलों पर, गन्ने पर, मक्के पर, सोयाबीन की फसल पर और अन्य फसलों पर, जिन फसलों पर चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों पर भी सफ़ेद लट व्हाइट ग्रफ की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम की दर से एक एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए। और कब स्प्रे कर सकते हैं, तो इसको स्प्रे करने की सही स्टेज है 30-35 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं पहली खाद के साथ, या फिर आप बेसल डोज के रूप में भी 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम एक एकड़ में प्रयोग कर
सकते हैं। इसको आप यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, एसएसपी के साथ, पोटास के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सल्फर के साथ भी मिक्स करके चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो रिजल्ट है, लगभग 3 से 4 दिन जैसे ही आप इसको सॉयल एप्लीकेशन से चलाते हैं तो 4 दिन के बाद रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 7 कार्बोसल्फ्यूरॉन 3% जीआर इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह जो कार्बोसल्फ्यूरॉन है 3%, काफ़ी किसानों ने नाम सुना होगा, तो यह भी ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, तो इसको भी आपको स्प्रे नहीं करना है बल्कि जड़ों के पास सॉयल एप्लीकेशन से चलाना है। तो कौन कौन सी कंपनी दे रही हैं, तो प्रमुख रूप से एफएमसी कंपनी फ्यूराडॉन के नाम से दे रही है, स्वाल की स्टार फॉर्म के नाम से आ रही है, और इसके अलावा नागार्जुन कंपनी की फ्यूरी के नाम से आ रही है, और क्रिस्टल कंपनी की फ्यूरॉन जी के नाम से आ रही है। तो अलग अलग नाम है, नाम आप फोटो पर देख सकते हैं, अलग अलग कंपनी यह टेक्निकल देती हैं। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर बात करें तो यह कार्बोमेट ग्रुप से बिलोंग करता है, और यह एक सिस्टमिक इंसेक्टीसाइड है जो कि पौधे के सिस्टम में जाकर कीटों को मारने का काम करते हैं, उनको भूखा मारने पर काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। तो इसको भी आप गन्ना, धान, मक्का, बैगन, टमाटर, अनार, आम, प्याज, तंबाकू, सब्जी वर्गी फसलें हैं, खीरा है, करेला है, टमाटर, इन फसलों पर आप सॉयल एप्लीकेशन से चला सकते हैं। और इसको भी आप यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से तना छेदक, पत्ता लपेट, ब्राउन प्लांट हॉपर, दीमक, एफिड्स, लार्वा, और इसके साथ साथ टॉप बोरर के साथ साथ नेमेटोड्स पर भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, और साथ ही बाइट ग्रप पर काफ़ी अच्छी पकड़ है इसकी। तो इन फसलों पर इन कीटों को कंट्रोल करता है यह कंपनी दे रही हैं। तो बात करते हैं डोज के बारे में। बुआई के समय 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है, और खड़ी फसलों पर, चाहे बैगन की फसल हो या फिर धान की फसल हो, खड़ी फसलों पर 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम एक एकड़ पर सिंचाई के साथ आपको प्रयोग करना चाहिए। प्राइस के ऊपर बात करें तो 1 किलोग्राम की जो कीमत है 500 से 550 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो खड़ी फसलों पर बेसल डोज के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक फसल पर आप अधिकतम 1 से 2 बार ही प्रयोग आपको करना चाहिए। तो धान की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, मक्के की फसल, इन फसलों पर जो दानेदार इंसेक्टीसाइड है या फिर जो बेसल डोज के रूप में दानेदार इंसेक्टीसाइड का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही किया जाता है। जैसे ही आप सॉयल एप्लीकेशन से चलाते हैं तो ये मान लीजिए 3 से 4 दिन के आसपास आपने सॉयल एप्लीकेशन चलाए हुए रहते हैं तो रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है। बात करते हैं नंबर 8 एवामेक्टिन 1.8% ईसी इंसेक्टीसाइड के बारे में। अब यह एवामेक्टिन वेंजोइड नहीं है, यह एवामेक्टिन 1.8% ईसी इंसेक्टीसाइड है जो कि ईसी फॉर्म में आती है, एमएलसी फाइबर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है, कीटनाशक है। तो आइए इसके बारे में भी हम डिटेल से समझते हैं। तो कौन कौन सी कंपनी दे रही है, सिजेंटा कंपनी दे रही है, ट्रॉपिकल कंपनी दे रही है, कृषि रसायन दे रही है, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन कंपनी यह टेक्निकल मार्केट में दे रही हैं। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो एवामेक्टिन इंसेक्टीसाइड है यह कीटों की जो ऊपरी परत होती है, कैल्शियम चेन रहती है, उसको यदि कीट यदि खाएंगे नहीं तो यह मुंह से नहीं बल्कि त्वचा से भी अंदर प्रवेश करने की क्षमता रखती है। यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टीसाइड है तो कीट जैसे ही संपर्क में आते हैं उनको मार देती है। तो कैल्शियम चेन को तोड़कर जो कीट होते हैं भोजन ठीक तरीके से नहीं बना पाते हैं और कीटों की मौत हो जाती है। तो बात करते हैं कौन कौन से इंसेक्ट पर यह काम करने वाली है, तो प्रमुख रूप से रेड माइट्स पर काम करेगी, लीफ माइनर पर यह काम करेगी। बात करते हैं क्रॉप्स के बारे में, तो यह प्रमुख रूप से स्ट्रॉबेरी, कपास, आलू, टमाटर, सोयाबीन, शकरकंद जैसी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जिस फसल पर भी रेड माइट्स, येलो माइट्स का प्रकोप है, लीफ माइनर का प्रकोप है या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो यह काम करने वाली है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 15 लीटर पानी में आपको 5 से 10 ml और एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में आपको लगभग 100 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं तो इसको स्प्रे जैसे ही आप करते हैं कम से कम 7 से 8 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, और स्प्रे करने के बाद कम से कम 1.5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। पत्ते यदि चिकने हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना
चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 क्लोरपाइरीफॉस 20% ईसी इंसेक्टिसाइड के बारे में। काफ़ी किसानों ने नाम सुना होगा क्लोरपाइरीफॉस के बारे में 20% ईसी, तो इसके बारे में भी डिटेल एजुकेशन पर्पज से शेयर करते हैं। ईसी फॉर्म में आती एमएलसी फाइबर कॉन्सनट्रेट। आइए बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी क्लोरपाइरीफॉस 20% ईसी दे रही है। तो कृषि रसायन है, टाटा है, ट्रॉपिकल कंपनी दे रही है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो क्लोरपाइरीफॉस का जो मोड ऑफ एक्शन है यह एक ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से बिलोंग करता है और कीटों को सिर्फ कॉन्टैक्ट क्रिया से, कॉन्टैक्ट एक्शन से ही कीटों को कंट्रोल करता है। इसमें स्टमक एक्शन भी है जो कीटों में जाकर, पेट में जाकर उनको मारने की क्षमता भी रखता है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो आपको पता है कि क्लोरपाइरीफॉस को स्प्रे के साथ साथ सोयल एप्लीकेशन से भी चलाया जाता है। तो प्रमुख रूप से कंट्रोल की बात करें तो रेड माइट्स, नेमेटोड्स, अब नेमेटोड्स स्प्रे से नहीं बल्कि सोयल एप्लीकेशन से क्लोरपाइरीफॉस चलाना पड़ेगा। एफिड, स्टेम बोरर, इसके अलावा मिलीबग को कंट्रोल करेगी, कट वर्म को कंट्रोल करेगी, बॉल वर्म को कंट्रोल करेगी, सूट बोरर है, फ्रूट बोरर है, लीफ होल्डर है, इसके अलावा डायमंड बैक मोथ को भी यह कंट्रोल करने वाली है। तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं और सोयल एप्लीकेशन से भी आप यूरिया या फिर डीएपी के साथ ही मिक्स करके सोयल एप्लीकेशन से आप चला सकते हैं। डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो स्प्रे के लिए 15 लीटर पानी में 50 ml और 150 से 200 लीटर पानी 500 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। यदि दोस्तों आप सोयल एप्लीकेशन से चला रहे हैं तो ये मान लीजिए 500 से 700 ml एक एकड़ में यूरिया या फिर डीएपी के साथ मिक्स करके आपको प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन सी फसलों पर आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं, धान, बीन्स, चना, मूंगफली, बैगन, पत्ता गोभी, सेब, संतरा, एप्पल, बेर के साथ साथ अन्य सब्जी वर्गीय फसलों पर, अनाज वर्गीय फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, सोयल एप्लीकेशन से चला सकते हैं। यदि स्प्रे कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 2 से 3 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए और रिजल्ट के ऊपर बात करें तो कम से कम 8 से 10 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं नंबर 10 क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल 18.5% एससी इंसेक्टिसाइड के बारे में। आपने इसको बहुत अच्छे से सुना भी होगा, समझा होगा और काफी समय से आप स्प्रे करते भी आ रहे हैं। तो क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल, जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोराजन, यही टेक्निकल कोराजन में उपलब्ध है। एससी फॉर्म में आता है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है। तो स्प्रे करने से पहले थोड़ा सा हिला लीजिए डंडे से, ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद एक्सपायरी डेट आपको देखना है, तभी आपको किसी भी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। पक्का बिल लीजिए, ओरिजिनल कीटनाशक दवाई का स्प्रे कीजिए और लगातार किसी भी कीटनाशक को आप लगातार या फिर बार बार स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट कम हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी इस टेक्निकल को दे रही है। डूपोंट कोराजन के नाम से, धानुका कवर के नाम से दे रही है और भी अलग अलग कंपनी, BASF कंपनी की बेस्टिकोर के नाम से भी मार्केट में देखने के लिए मिलती है। लेकिन कोराजन, डूपोंट की जो कोराजन आती है यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम बात कर रहे हैं क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल 18.5% एससी के बारे में। क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर अगर दोस्तों बात करें तो यह कीटों की जनसंख्या बढ़ने से कंट्रोल करता है और यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ग्रीन लेवल का कीटनाशक है जो कि खासकर दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खियों को नहीं मारता है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से सभी प्रकार की इल्ली, चाहे बॉल बर्म हो, पिंक बॉल बर्म हो, कैटरपिलर हो और साथ साथ फॉल आर्मी बर्म हो या फिर दोस्तों हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली फ्रूट बोरर पर भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो सभी फसलों पर यदि मोटी हरी इल्लियों का प्रकोप है तो क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल काम करती आ रही है और अब भी कर ही रही है। तो बात करते हैं दोस्तों क्रॉप स्प्रे के बारे में, तो मिर्च, टमाटर, बैगन, भिंडी, चना, सोयाबीन, कपास और अन्य सब्जी वर्गीय फसलों पर, अनाज वाली फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करते हैं तो 15 लीटर पानी में 5 से 6 ml और 150 से 200 लीटर पानी में 50 से 60 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं तो स्प्रे करने के बाद कम से कम दोस्तों 15 से 18 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और स्प्रे जैसे ही किया कम से कम 2 से 2.25 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। कीमत की ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो आप फोटो पर नीचे देख रहे हैं यह इसकी कीमत है। अलग अलग राज्य स्टेट के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको 10 इंसेक्टिसाइड टेक्निकल फॉर्मुलेशन के बारे में बताया कि 10 जो
फॉर्मुलेशन है, क्या काम करते हैं, उनका रिजल्ट क्या है, कीमत के बारे में बताया, डोज के बारे में, और कौन कौन सी कंपनी दे रही है, कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और जिन फसलों पर आप स्प्रे कर रहे हैं कौन कौन से कीटों पर, सही पकड़ इन कीटनाशक की है, इन फॉर्मुलेशन की है। तो संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर की, यदि आप इसको पूरा, यदि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है तो ज़रूर आपका कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर बढ़ा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए, वीडियोस के लिए आप चैनल को द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।